और आज की एक बड़ी दुर्घटना भोपाल शहर में हुई, जहां पर एक 5 साल की बच्ची के साथ में पहले अपहरण किया गया, रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये प्रदेश अब निशाचरों का प्रदेश बन गया है और हमारी बहन बेटियां इस मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित मानी जाती है। पिछले 20 सालों अगर आप लगाएंगे तो प्रदेश मध्य प्रदेश का प्रदेश बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारी बहन बेटियों महिलाओं के साथ में दुराचार अत्याचार हुआ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा जरूर, और लाडली बहना और लाडली बिटिया की बात करते रहे जरूर, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अपराध हमारी बहन बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो सवाल ये है कि प्रदेश की पुलिस प्रशासन के अपने काम को करने में अक्षम है, इसी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। प्रदेश की पुलिसिंग, प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की सरकार अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रही, इस वजह से इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आए दिन हमको देखने को मिलती है।